तो हृदय रोगियों के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि परम और उत्तम और सर्वोत्तम जो औषधि है वो अर्जुन घृत है, लेकिन शर्त यही है कि देसी गौ माता का घी हो, शुद्ध रूप में बनाया गया और शुद्ध रूप में ही उसको जो है अर्जुन घृत के रूप में उपयोग करने के लिए अगर मिले तो हृदय रोगियों के लिए सर्वोत्तम औषधि है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर शैलेश रोसा जी। ये आयुर्वेद के जानकार हैं, BMS डॉक्टर हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और पंचगव्य में भी पढ़ाई की है। आज ये आपको बताएंगे कि अर्जुन घृत कैसे हृदय रोगियों के लिए लाभकारी है, क्या क्या लाभ करता है, कैसे लेना चाहिए और उसमें ऐसा क्या होता है जो हृदय रोगियों के लिए लाभकारी है, और आम लोगों के लिए जिनको हृदय रोग नहीं है उनके लिए भी हृदय को मजबूत करने का एक जबरदस्त माध्यम है अर्जुन घृत, ये कहना है डॉक्टर शैलेश रोसा जी का। इनकी पूरी बात जरूर सुनिए ताकि पता चले कि अर्जुन घृत कितना गुणकारी है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब, अर्जुन घृत कैसे लाभ करता है और किनको कैसे लेना चाहिए, जरा बताइए। नमस्कार। अर्जुन घृत विधिवत तरीके से अगर बनाया जाए शुद्ध रूप में, क्योंकि अर्जुन घृत बनता ही देसी गौ माता के घी में है, और देसी गौ माता के घी से अगर अर्जुन घृत बनाया जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। सर्दियों में ही उसको उपयोग में लिया जाता है और हृदय रोगियों के लिए एकदम श्रेष्ठ औषधि है। अगर हृदय रोगों के लिए कोई पूछे मेरे से तो मैं अर्जुन घृत के बारे में ही उनको जो है वो सलाह दूंगा कि अर्जुन घृत सर्दियों में ही उपयोग करें। BP जिसका ब्लड का प्रेशर बहुत निम्न रहता हो, बहुत ज़्यादा उच्च रहता हो, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो, उन दोनों में अर्जुन घृत बहुत अच्छा काम करता है, सर्दियों में लिया जाता है। और चूंकि अर्जुन घृत से ब्लड को भी प्योरीफाई होता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो गंदगी होती है, जो चर्बी होती है, जो टॉक्सिन होते हैं, वो सबको भी प्योरीफाई करता है, और उससे स्वर्ण जैसी आपकी त्वचा का जो है रंग जो हो जाता है, रंग भी उसमें साफ होता है। चूंकि जब आपका ब्लड साफ होगा तो वो भी साफ होगा। और जो अर्जुन घृत है, ये जो महाभारत के योद्धा हुए थे अर्जुन, एक विशेष इसकी कहानी है, उनके नाम के ऊपर ही अर्जुन का जो पेड़ है उसका वो नाम पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो है अर्जुन की छाल का एक सही तरीके से बनाया जाता पाउडर का अर्जुन घृत है, भावना देके। तो शरीर में अगर हृदय आपका मजबूत है, हृदय के चैम्बर आपके मजबूत है, रक्त आपका साफ है, तो शायद ही आपको कोई भी बीमारी हो। अगर आपका हृदय ठीक नहीं है तो आपको विभिन्न बीमारियां हो जाएंगी। तो हृदय रोगियों के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि परम और उत्तम और सर्वोत्तम जो औषधि है वो अर्जुन घृत है, लेकिन शर्त यही है कि देसी गौ माता का घी हो, शुद्ध रूप में बनाया गया और शुद्ध रूप में ही उसको जो है अर्जुन घृत के रूप में उपयोग करने के लिए अगर मिले तो हृदय रोगियों के लिए सर्वोत्तम औषधि है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो या और कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो तो कैसे लेना चाहिए अर्जुन घृत? देखिए, हृदय में बहुत सारी जो कार्डियोवैस्कुलर जो आप बताते हैं वो कई सारी जो आप बोल रहे हैं कई सारी समस्याएं होती हैं। कई बार वॉल लीक हो जाता है तो जो ब्लड का फ्लो है वो एनीमित हो जाता है। कई बार जो ब्लॉकेज भी आ जाती है, ब्लॉकेज बहुत मेजर हो जाती है, वो 99-98 तक चली जाती है, तो कई सारी स्थितियाँ हैं। तो सबसे पहले तो जाँच परख कर लें इस बात की कि आपके हृदय में क्या है। दूसरा, अगर वो आपको घी का उपयोग करना है तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ अर्जुन घृत के बारे में बात की गई है वो गुनगुने जल में बात की गई है कि गुनगुने जल में आप 2 ग्राम से लेकर 7 ग्राम तक आप जो है अर्जुन घृत का उपयोग कर सकते हो। और इसको अगर खाली पेट आपने लिया तो ऐसे मान लो कि जैसे एकदम अमृत पान की तरह आपने कर लिया, और अमृत पान की तरह ही आपके शरीर पर यह काम करता है। तो ये तो एक वैद्य जी और चिकित्सक या डॉक्टर की देखरेख में ही आप इसका लेंगे तो उत्तम है, नहीं तो स्वस्थ व्यक्ति भी इसको 2 ग्राम से 5 ग्राम तक पर डे ले सकता है। इसको लेने का सही समय जो है वो खाली पेट है, और ऋतु जो है वो शरद ऋतु है। मतलब खाली पेट सुबह उठते ही गुनगुने पानी में 2 से 7 ग्राम के बीच में बिल्कुल 100% ले सकते हैं। ये जिनको हृदय संबंधित बीमारी है उसमें लाभ करेगा? हाँ, उनमें लाभ करेगा बिल्कुल। बेड वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको जो है वो बहुत तेजी से घटाने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे, एक नहीं, 10 नहीं 20 नहीं, सैकड़ों मेरे पास ऐसे उदाहरण है, रोगियां हैं विद रिपोर्ट के साथ जिनको अर्जुन घृत दिया और वो आज बिल्कुल हृदय रोगियों में जो है वो नहीं गिनती आती और वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। यदि किसी को वैसे भी दिक्कत नहीं है तो वो भी ले सकता है, अगर हृदय की बीमारी भी ना हो तो भी अर्जुन घृत ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल 100% ले सकता है, लेकिन लेने का तरीका वही 2 से 5 ग्राम जिनको बीमारी नहीं है, 7 ग्राम तक रोगी को लेना पड़ता है विशेष परिस्थिति में, और सर्दियों के जो मौसम है शरद ऋतु में वो उसका पान करें गुनगुने जल में। कब से कब तक करें? तो सबसे अच्छा जो इसका समय माना गया है वो दीपावली से लेकर 15-20 फरवरी तक का माना गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार डॉक्टर कहते हैं कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आप कह रहे हैं कि देसी गाय के घी में अर्जुन घृत बने तो वो लाभकारी है? देखिए, जहाँ घी की जानकारी की बात है तो वो तो डॉक्टरों का विषय ही खत्म हो जाता है, क्योंकि डॉक्टरों का विषय इसलिए खत्म हो जाता है कि डॉक्टर तो जितने भी घी हैं या दूध हैं, दही है, छाछ है, उन सबको डेयरी प्रोडक्ट में लेते हैं,
लेकिन यहाँ बात देसी गौ माता के घी की होती है जो डेयरी प्रोडक्ट से अलग आता है। पहले भी मैंने बात की है कि उसमें बायो इनहेंसिंग एजेंट एक होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है कि जो शरीर के टेम्परेचर पर उसके घृत को घोल देता है, और जो घृत शरीर के टेम्परेचर पे घुल जाता है वो कभी भी बैड वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, इवन बैड वाले कोलेस्ट्रॉल को वो साफ कर देता है। तो वो यही बोलते हैं कि घृत जो है नहीं लेना चाहिए, उनको ये अंतर नहीं पता कि जो है वो देसी गाय का घी और जो भैंस का घी है, अलग अलग जितनी भी कंपनियां उनका घी है उनमें क्या अंतर है, ये तो अंतर की बात है, ये तो शायद उनकी जानकारी से परे की बात है। तो इस तरह से देसी गाय के घी में बना हुआ अर्जुन घृत हृदय रोगियों के लिए लाभकारी है। देखिए मेरा अनुभव पिछले 10 सालों से है, चिकित्सकीय अभ्यास जो मेरा है, अभी 15 नवंबर को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, मैंने आज तक 10 सालों में ऐसे सैकड़ों रोगियों को देखा है, हृदय रोगियों को जिनको अर्जुन घृत दिया गया या देसी गौ माता का घृत दिया गया और वो आज एकदम जीवन स्वस्थ जी रहे हैं। और साथ में अर्जुन घृत अगर जो व्यक्ति, ये यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, जो व्यक्ति स्वस्थ है तो अर्जुन घृत अगर वो सर्दियों में दीपावली से लेकर 15-20 फरवरी तक अगर नियमित रूप से जीवन भर लेगा तो जैसा आयुर्वेद में वर्णन है कि 300 वर्ष हृदय की उम्र होती है, तो शायद ही वो 300 वर्ष से पहले हृदय फेल हो। लेकिन तरीका वही है कि सही तरीके से शुद्ध रूप में बना हो और सुबह खाली पेट लें पानी के साथ, तो सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम। तो दोस्तों जैसे डॉक्टर शैलेश रोसा जी ने बताया कि अर्जुन घृत के सेहत में जबरदस्त फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल घटाने की रामबाण दवाई है अर्जुन घृत, पर शर्त यह है कि शुद्ध होना चाहिए, जो बनाने की आयुर्वेद में विधि वर्णित है उस हिसाब से बनेगा तो फिर उसके रिजल्ट जबरदस्त आते हैं। इसीलिए आज हमारे साथ हैं दानवीर जी, ये शुद्ध देसी घी से ये अर्जुन घृत बनाते हैं, पूरी प्रक्रिया आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे ये शुद्ध अर्जुन घृत आयुर्वेदिक विधि से बनता है। वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि अर्जुन घृत हो तो ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि इसके पूरे लाभ मिल सकें। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं अर्जुन घृत बनाने की प्रैक्टिकल विधि। दोस्तों मैं आज आपको अर्जुन घृत बनाने की विधि बताने जा रहा हूं कि मैं कैसे अर्जुन घृत तैयार करता हूं। सबसे पहले मैंने फूड ग्रेड स्टील की एक कढ़ाई ली है जो 304 ग्रेड का स्टील है। मैंने इसमें सबसे पहले एक निश्चित मात्रा में मैंने पानी और अर्जुन की छाल को उबाला है। जब यह उबल के मेरा गाढ़ा तैयार हो गया, इस गाढ़े को मैंने इसमें रख दिया है, इसे क्वाथ बोलते हैं, और इसमें निकालने के बाद कढ़ाई में से मैंने कढ़ाई को साफ करके इसमें देसी गाय का घृत मतलब घी, देसी गाय का बिलोना घी जो मैं खुद तैयार करता हूँ मैंने वो डाला हुआ है। इस घी के अंदर मैं हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा और हल्दी, ये सभी चीज़ें मैंने नींबू के रस में मिला के रखी हुई हैं, जिसमें मैं घी अपना गर्म होने के बाद धीरे धीरे इसको छोड़ता हूँ और इसका पकने तक का वेट करता हूँ। मैंने गाढ़ा तैयार किया था अर्जुन की छाल और पानी डाल के, और अब मैं धीरे धीरे इस जो है गाढ़े को इसमें डालना है जी घी के अंदर, मैं धीरे धीरे इसको डाल रहा हूँ, डालते वक्त बड़ा धीरे से मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए जी मैंने देसी गाय के घी के अंदर अर्जुन की छाल का जो क्वाथ था वो क्वाथ तैयार करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसे हम जब तक पकने देंगे जब तक वो सारा का सारा पानी इसके अंदर से बाहर भाप बन के उड़ ना जाए, और ये मेरा सबसे लास्ट में मेरा जो बचेगा ये शुद्ध प्योर अर्जुन घृत बचेगा। इसके कलर पे आप कभी मत जाइएगा, कलर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फीका या गाढ़ा हो सकता है, वो सारी चीज़ें हल्दी की मात्रा पे निर्भर करेगा कि आपने हल्दी कितनी मात्रा में डाली हुई है। अगर आप शुद्ध अर्जुन घृत लेते हैं तो ये बात निश्चित है कि वो कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, हृदय संबंधी रोगों को ठीक करने में कारगर साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।